हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द स्पेशल लेसन और भाग ले रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। आज दूसरा क्लास है इंग्लिश स्पीकिंग का। आज हम लोग सीखते हैं अंग्रेजी में शिष्टाचार, गुड मैनर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा में हिंदी भाषा की तरह आप या जी लगाने का कोई रिवाज नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजी एक रूखा भाषा है, इसमें कोई स्वीटनेस नहीं है, लेकिन वैसा नहीं है। अंग्रेजी में भी शिष्टाचार जताने की प्रथा है। आइए मेरे साथ देखते हैं गुड मैनर्स इन इंग्लिश। यदि आप एक अच्छा अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो कुछ चीजों को आपको पालन करना होगा, जैसे प्लीज, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, दैट्स ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर का प्रयोग कैसे करना है ताकि आपका अंग्रेजी वाकई में अच्छा हो सके। प्लीज का शाब्दिक अर्थ है कृपया। अगर आपको किसी से कुछ पूछना हो, मांगना हो, तो आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो पता चलता है कि आप कितने सभ्य हैं। जैसे जरा अपना कलम देना, तो आप बोल सकते हैं गिव मी योर पेन, लेकिन इससे लोग आपको सभ्य नहीं समझेंगे और बोलेंगे कि आप में गुड मैनर्स नहीं है। इसलिए आपको बोलना चाहिए मे आई हैव योर पेन प्लीज। ये अच्छा मैनर्स माना जाता है, लोग बोलते हैं कि आप सभ्य हैं। दूसरा वाक्य देखिए, एक गिलास पानी देना, आप डायरेक्ट बोल देते हैं गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन आपको बोलना चाहिए ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। तो इससे पता चलता है कि आप में अच्छा मैनर्स है। किसी से समय पूछना है क्या बजा है, तो आप पूछ देते हैं व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम, लेकिन आपको बोलना चाहिए टाइम प्लीज। तो प्लीज लगाने से ही मैनर पता चलता है, यही शिष्टाचार है अंग्रेजी में। अगला वाक्य देखते हैं, हाँ पी लूंगा, आप बोल देते हैं यस आई विल ड्रिंक इट। आपको इतना नहीं बोलना है, आपको बोलना है यस प्लीज। इससे पता चलता है कि आप सभ्य हैं और आप जेंटलमैन हैं। आइए सीखते हैं थैंक यू का प्रयोग। थैंक यू का कब इस्तेमाल किया जाता है? जैसे आपका किसी ने कोई काम किया तो आप थैंक यू बोल दें, इसके जगह पर आप थैंक्स बोल सकते हैं या मैनी थैंक्स टू यू कह सकते हैं या थैंक यू वेरी मच, इनमें से किसी भी शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं लेना है या नहीं करना है और बार बार आग्रह किया जा रहा है, जैसे मैं और नहीं लेना चाहता हूं, तो ऐसा मत बोलिए आई डोंट वांट टू टेक मोर। आपको ये नहीं बोलना है आई डोंट वांट टू टेक मोर, आप डायरेक्ट बोलिए
नो थैंक्स। यदि कोई आपको थैंक यू या थैंक्स बोलता है तो बात यहीं खत्म नहीं होती, आपको उसका रिप्लाई भी करना है। आप इट्स फाइन या इट्स ऑल राइट, सब ठीक है बोल दें। नो मेंशन, कोई बात नहीं। माय प्लेजर, मेरी खुशी। या वेलकम या यू आर वेलकम, ऐसी तकलीफ फिर दें। और एक सर्वाधिक प्रयुक्त होता है और सबसे नम्रता सूचक शब्द लगता है, यदि आपसे किसी ने कुछ मांगा और आप देना चाहते हैं तो आप बोल देते हैं टेक इट। ये नहीं बोलना है आपको, आपको बोलना है यू आर वेलकम। जैसे किसी ने बोला मे आई हैव योर पेन प्लीज, तो आप टेक इट नहीं बोल करके बोले यस यू आर वेलकम। यदि आप किसी की सहायता करना चाहते हैं या उसके लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं मे आई हेल्प यू या अलाउ मी, सहायतार्थ। यदि आप किसी महिला या वृद्ध को रास्ता दे रहे हैं या आप चाहते हैं कि वो आपसे पहले निकले, स्टेयर से उतरे या स्टेयर पर चढ़े, तो आप आफ्टर यू का प्रयोग यानी पहले आप का प्रयोग करें, आफ्टर यू। सॉरी और एक्सक्यूज मी का प्रयोग खेद प्रकट करने के लिए करते हैं। जैसे किसी का आपसे हाथ छू जाए तो आप बोलते हैं सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। एक्सक्यूज मी, इंटरप्ट करना हो, कहीं नॉक करना हो, बीच में आपको कुछ बोलना हो तो आप एक्सक्यूज मी, क्षमा करें शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप टेलीफोनिक वार्तालाप कर रहे हैं और किसी का स्वर दूसरे इन से सुनाई नहीं दे रहा है तो आप ये नहीं बोल सकते हैं स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर। आपको बोलना है पार्डन, आई बेग योर पार्डन, ऊंचे स्वर में बोलो। वो समझ जाएगा। यदि कोई कमरे में बैठा है और आप बोलते हैं मे आई कम इन, मे आई कम इन प्लीज, तो वह बोलता है यस प्लीज कम इन। या विथ ग्रेट प्लेजर, या और भी बोल सकता है, क्या बोल सकता है, यस ऑफ कोर्स। इन तमाम चीजों का यदि आप भी प्रयोग करते हैं तो आपको माना जाएगा कि आप में अच्छा मैनर है, गुड मैनर्स इन इंग्लिश। यही था और मैं आपको यही बताना चाह रहा था, छोटा है लेकिन वाकई बहुत बड़ी चीज है। बने रहे आप मेरे साथ। जय हिंद।